नमस्कार, अपने सुन रहल छी मिथिला मिरर वेब रेडियो। तो सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में विकराल भेल जा रहल अछि कोरोना संक्रमण। रोगीक संख्या बढ़कर पहिल बेर 3000 के पार। 75 के मौत, 213 भेला ठीक। तो पछिला 24 घंटा में रिकॉर्ड दर्ज भेल 525 नव संक्रमित रोगीक संख्या। बिहार में आयल प्रवासी लोकन के कोरोना जांच लेल शनि दिन से शुरू भेल थर्मल स्क्रीनिंग। महाराष्ट्र आ केरल से आयल लोक सब के देल जा रहल छन पहिल प्राथमिकता। दरभंगा के जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिद से 10 विदेशी मौलाना गिरफ्तार। मस्जिद के संस्थापक संचालक सहित सब पर मुकदमा दर्ज। विदेशी मौलाना सबक वीजा से हो कैल गेल रद्द। लॉकडाउन में गांव में नहीं हुए टका की दिक्कत। ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर टका पहुंचा रहल छथि डकिया। कोरोना महामारी के देखैत बिहार के 17 सीट पर होए वाला विधान परिषद चुनाव फिलहाल स्थगित। चुनाव आयोग जारी केलक अधिसूचना। बिहार में लॉकडाउन के सख्ती से कराओल जा रहल अछि पालन। राज्यक पटना, मधेपुरा, भागलपुर में ड्रोन से राखल जा रहल अछि नजर। तो एखन धरि 542 गोटे पर मुकदमा दर्ज। बिहार में कोरोना पॉजिटिव रोगीक संख्या बढ़कर भेल 31। गया में पाओल गेल एकटा नव रोगी। और बिहार के पुलिस महानिदेशक के चेतावनी। दिल्ली के तबलीगी जमात से वापिस भ बिहार आवे वाला जमाती अस्पताल में डॉक्टर, नर्स आ पुलिस से बेवजह नहीं करत कोनो अप्रिय हरकत। बिहार पुलिस नहीं करत एहन कोनो तरहक मामला के बर्दाश्त। विस्तृत समाचार के संग हम ललित नारायण झा। देश में कोरोना महामारी धीरे धीरे विकराल रूप में पैर पसारनाय शुरू कऽ देलक अछि। एखन धरि देश में संक्रमित रोगीक संख्या बढ़कर 3072 भऽ गेलै, जखन कि कोरोना अपना चपेट में 75 गोट जिंदगी के सेहो लऽ लेलक। हालांकि 231 गोटे ठीक भऽ कऽ घर वापस सेहो जा चुकल छथि, मुदा पछिला 24 घंटा में आयल 525 गोट नव रोगी सामुदायिक संक्रमण दिस इशारा कऽ रहल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल आ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहलनि जे देशक कोरोना कुल रोगी में से 30% रोगीक संख्या तबलीगी जमात के मरकज में भाग लै वाला लोकक अछि। लव अग्रवाल कहलनि जे 20 सालक उम्र के 9% रोगी, 21-40 के 42%, 41-60 के 33% आ 60 से अधिक के 17% मामला सामने आयल अछि। खास बात ई जे महाराष्ट्र 490 रोगीक संग पहिल स्थान पर बनल अछि, तो दोसर दिस दिल्ली तेजी से केरल आ तमिलनाडु के पाछा छोड़ैत 545 मरीजक संग दोसर स्थान पर आबि गेल अछि। महाराष्ट्र में 24 आ दिल्ली में 6 गोटे के मौत सेहो भऽ चुकल छै, जखन कि बिहार में एखन धरि 31 गोट रोगी सामने आयला अछि। ओना तो बिहार में लॉकडाउन के बाद देश विदेश से 1,80,000 लोग आयल छथि, मुदा एहि में से मात्र 26,000 लोग के क्वारंटाइन कयल गेल अछि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्त जिलाधिकारी के निर्देश देलनि जे बिहार के बाहर से आयल लोक सभक कोरोना जाँच लेल थर्मल स्क्रीनिंग कराओल जाय। आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के मुताबिक ओहन लोक सब के जे दिल्ली, महाराष्ट्र आ केरल से आयल छथि, हुनका सब के प्राथमिकता के आधार पर जांच कराओल जतन। बता दी जे बिहार में 3200 से ज्यादा स्कूल में बनल क्वारंटाइन सेंटर में 26,000 से बेसी लोग के राखल गेल अछि। हिनका सब के सरकार भोजन, आवास आ हरेक तरहक चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहल छनि। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार कहलनि जे कोरोना संक्रमण के देखैत महाराष्ट्र के पुणे आ मुंबई अति संवेदनशील अछि, ताहि कारण एतय से आयल व्यक्ति के पहले तकरा बाद केरल आ ओकरा बाद दिल्ली से आयल रोगी के जांच करायल जतन। ओतय विदेश से आयल लोक सब के खोज कर विशेष क्वारंटाइन सेंटर में राखल जा रहल छनि और हुनका लोकन के मेडिकल जाँच पड़ताल सेहो चल रहल छनि। कोरोना महामारी के चलते देश भर में हाई अलर्ट जारी है। एहन में पुलिस आ प्रशासन कोनो तरहक चूक करबा से बचि रहल अछि। एहन में लॉकडाउन के प्रति पुलिस हर हाल में सख्ती से पालन करा रहल अछि। दरभंगा जिला प्रशासन के एहन सूचना भेटल कि दिल्ली के मरकज में आयोजित जमात में शामिल भ 10 विदेशी मौलाना दरभंगा आबि शहर के विभिन्न मस्जिद में रुकल छथि। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक बाबूराम एकटा योजना बना शहर के विभिन्न मस्जिद में एक संगे दबिश द 10 मौलाना के गिरफ्तार कऽ लेलनि। SP कहलनि जे स्थानीय जनता पुलिस के कोनो तरहक सूचना नहीं देलक, जे कि हुनका सबके कर्तव्य छलनि, मुदा पुलिस इनपुट से भेटल सूचना के आधार पर कार्रवाई करैत गेल। मस्जिद के स्थापक संचालक समेत सब मौलाना पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कयल गेल आ विदेशी मौलाना सबक वीजा सेहो रद्द कऽ देल गेल अछि। आब हिनका लोकनिक ट्रेवल हिस्ट्री सेहो खंगालल जा रहल अछि जे एहिसँ पूर्व ई सब कतय कतय गेल छलाह और हिनका लोकनिक संपर्क में के सब आयल छनि।
फिलहाल हिनका सबके क्वारंटाइन सेंटर में भेज देल गेल अछि और जांच के प्रक्रिया शुरू कऽ देल गेल। शनि दिन देश में लॉकडाउन के 12 दिन रहल, संपूर्ण देश में 21 दिनक लेल लॉकडाउन घोषित अछि। एहन में लोक सब के बिना टका के खर्च कोना चलत। देशक शहरी क्षेत्र में तो विभिन्न बैंक ATM से लोक सब रुपया निकाल अपन काज करैत छथि, मुदा गांव घरक लोक सब के बेसी दिकदारी भऽ गेलनि अछि। एहि स्थिति के देखैत भारतीय पोस्टल बैंक अपन डकिया के मादे माइक्रो ATM व आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पिछला 3 दिन से चालू कैलक अछि। एहि से कोनो बैंकक खाता से लोक 10,000 तक रुपया निकाल सकै छथि। डकिया घर घर जा ग्रामीण लोक सब के ई सुविधा उपलब्ध करा रहल छथि। बिहारक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार कहलनि जे पोस्टल बैंक के विभिन्न शाखा से करोड़ों रुपया के लेन देन प्रतिदिन भऽ रहल अछि। देश में एहन तरहक समस्या छै और ओहि के ध्यान में रखैत राज्यक हरेक पोस्टल बैंक में एहि तरहक सुविधा बहाल कयल गेल अछि, ताकि गाम घरक लोक सब के कोनो दिक्कत नहि होइन। एतबे नहि, ओ ग्राहक लोकनि के भरोसा दियौलनि जे कोनो ट्रांजेक्शन में कोनो तरहक फ्रॉड सेहो नहि होयत। बिहार में 17 विधान परिषद सीट पर चुनाव मई में भेनाइ सुनिश्चित छल, मुदा कोरोना महामारी के देखैत चुनाव आयोग चुनाव रद्द करबाक अधिसूचना जारी कयलक अछि। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के तहत अपन शक्ति के प्रयोग करैत होय वाला चुनाव के स्थगित कऽ देलक अछि। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के देखैत एहन तरहक फैसला लेल गेल अछि। जनतब होयत जे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 4, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 4 के अलावे द्विवर्षीय चुनाव सहित 23 मई के विधान परिषद 10 मनोनीत सदस्य के सेहो कार्यकाल खत्म भऽ रहल छनि। एहि सब सीट पर आब चुनाव आगाँ के परिस्थिति के देखैत तारीख के घोषणा कयल जायत। बता दी जे बिहार सरकारक मंत्री नीरज कुमार अशोक चौधरी के कार्यकाल सेहो खत्म भऽ रहल छनि। हिनका दुलू के अलावे दिलीप चौधरी, रामलखन राम रमण, पीके शाही, देवेश चंद्र ठाकुर, मदन मोहन झा सहित कतेको नामी राजनेता के कार्यकाल मई में खत्म भऽ रहल अछि। एहन में राजनेता लोकनि के माथ पर सिकन देखल जनाय स्वाभाविक छनि। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे के आदेश के बाद राज्यक हरेक जिला में लॉकडाउन सख्ती से पालन कराओल जा रहल अछि। पुलिस पहले हिदायत द छोड़ दैत छल, मुदा आम लोक एकरा मखोल बनाबैत छला। एहि बात के देखैत पुलिस आब सख्ती कऽ रहल अछि आ हर हाल में पालन सेहो करबा रहल अछि। जरूरत पड़ला पर स्थानीय पुलिस ड्रोन के सहारा सेहो लऽ रहल अछि। आब कोनो हालत में किनको नहीं छोड़ल जा रहल अछि। सबसे बेसी मामला पटना, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर आ सीतामढ़ी में लॉकडाउन तोड़बाक सूचना पुलिस के भेटैत रहले, जाहि कारण एतय पुलिस लोक सब पर बेसी सख्ती केलक अछि। पुलिस मुख्यालय पटना से प्राप्त आंकड़ा के मुताबिक एखन धरि 500 लोग पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कयल गेल और 283 के गिरफ्तार सेहो कयल गेलनि। एतबे नहि, लोक सबसे जुर्माना के रूप में एखन धरि 1,63,00,000 टका सेहो वसूल कयल गेल अछि। ADG मुख्यालय कहलनि जे कोरोना रोगीक संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहल अछि, एहन में लॉकडाउन के पालन नहि कयल जाय तऽ ई बीमारी और बेसी पसरि सकैत अछि। बिहार में सेहो लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगीक संख्या में बढ़ोतरी भऽ रहल अछि। शनि दिन गया में एकटा और कोरोना रोगीक पुष्टि भेल। गया में जाय महिला के कोरोना पॉजिटिव घोषित कयल गेल छल, आब हुनक पति सेहो कोरोना पॉजिटिव भऽ गेला। दुनू के ट्रैवल हिस्ट्री छनि आ ई दुनू प्राणी दुबई से गया अपन गांव वापिस आयल छला। बिहार में जो कोरोना पॉजिटिव रोगीक संख्या जिलावार देखी तो एखन धरि सबसे बेसी रोगी मुंगेर, तकरा बाद सिवान आ पटना से अबैत छथि। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एखन धरि कोरोना संदिग्ध रोगीक संख्या 6,681 अछि, जाहि में से 500 लोकनि के क्वारंटाइन अवधि पूरा भऽ गेल छनि। एहि बीच स्वास्थ्य विभाग शुक्र दिन से कोरोना संदेह के कारण 339 और संदिग्ध के आइसोलेशन में भेज देलक अछि। एखन धरि कुल 285 कोरोना रोगी राज्यक विभिन्न अस्पताल में भर्ती छथि। आ जिलावार बात करी तो मुंगेर में 8, सिवान में 7, पटना 5, गया 4, गोपालगंज 3, नालंदा 2, बेगूसराय, लखीसराय आ सारण में 1-1 रोगीक पुष्टि भेल अछि। दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात के लोक सब देशक विभिन्न राज्य में पहुँच चुकल छथि। एहन में बिहार में सेहो एक से अछूता नहीं अछि। पछिला 2 दिन में दिल्ली सहित देशक किछ राज्य से जमाती द्वारा विभिन्न अस्पताल में डॉक्टर, नर्स सहित पुलिस संग अश्लीलता करबा खबर आबि रहल अछि। एतबे नहि, हिनका लोकनि पर इहो आरोप अछि जे ई सब स्वास्थ्यकर्मी के ऊपर थूक सेहो फेंक रहल छथि। एहि हरकत के देखैत पुलिस सख्ती से पेश अयबाक कोशिश कऽ रहल अछि। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद आ केरल से एहन तरहक सूचना भेटल अछि जे एहिमे भारतीय जमाती समेत विदेशी सेहो शामिल छथि।
एहि तरह खबर के देखत बिहार पुलिस महानिदेशक जमाती लोकन के चेतावनी देत कहला जे पुलिस अस्पताल के डॉक्टर नर्स सहित कोनो स्टाफ संगे कोनो तरह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कयल जायत चाहे वो बिहार के होत या विदेशी एहन हरकत केला पर हुनका सब संग सख्ती से पेश आयल जायत जरूरत पड़ला पर दिल्ली जना अस्पताल के सेना के हवाले सेहो कह देल जायत एहि कारण जमाती लोकन में हड़कंप मचल अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से देश में विकराल भेल जा रहल अछि कोरोना संक्रमण रोगी संख्या बढ़कर पहिल बेर 3000 के पार 75 के मौत 213 भेला ठीक तो पिछला 24 घंटा में रिकॉर्ड दर्ज भेल 525 नव संक्रमित रोगीक संख्या। बिहार में आयल प्रवासी लोकन के कोरोना जांच लेल शनि दिन से शुरू भेल थर्मल स्क्रीनिंग महाराष्ट्र आ केरल से आयल लोक सब के देल जा रहल छन पहिल प्राथमिकता। दरभंगा के जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिद से 10 विदेशी मौलाना गिरफ्तार मस्जिद के संस्थापक संचालक सहित सब पर मुकदमा दर्ज विदेशी मौलाना सबक वीजा से हो कयल गेल रद्द। लॉकडाउन में गांव में नहीं होत टका के दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर टका पहुंचा रहल छथि डकिया। कोरोना महामारी के देखत बिहार के 17 सीट पर होय वाला विधान परिषद चुनाव फिलहाल स्थगित चुनाव आयोग जारी केलक अधिसूचना। बिहार में लॉकडाउन के सख्ती से कराओल जा रहल अछि पालन राज्यक पटना मधेपुरा भागलपुर में ड्रोन से राखल जा रहल अछि नजर तो एखन धरि 542 गोटे पर मुकदमा दर्ज। बिहार में कोरोना पॉजिटिव रोगीक संख्या बढ़कर भेल 31 गया में पाओल गेल एकटा नव रोगी और बिहार के पुलिस महानिदेशक के चेतावनी दिल्ली के तबलीगी जमात से वापिस भ बिहार आवे वाला जमाती अस्पताल में डॉक्टर नर्स और पुलिस से बेवजह नहीं करत कोनो अप्रिय हरकत बिहार पुलिस नहीं करत एहन कोनो तरहक मामला के बर्दाश्त। आजुक अंक में एतबे नमस्कार।